साइलेंस शिक्षा श्री सम्मान जो है उसके लिए हमने अभी पिछले हमने हफ्ते जो है हमने उसका ऑनलाइन लिंक डाला हुआ था सब जगह फेसबुक पे और डिजिटल, मैंने उसको प्रमोशन किया था और उसके अभी तक हमारे पास में लगभग 56 नॉमिनेशन आए हैं जिसमें सिर्फ हम सिर्फ 50 लोगों की वहाँ पे नॉमिनेशन आ गए। इसमें हमने जूरी कमेटी बनाई है जिसपे हमारी जूरी कमेटी में आदरणीय प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर धीरज कुमार जी हैं हिंदुस्तान से और दो लोग हमारे लंदन से हैं यूएसए से हैं। ऐसे 5 लोगों की जूरी कमेटी बनाई है और हमारी जूरी कमेटी में हमारी कमेटी का कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है जिससे ये जो नॉमिनेशन आए लोगों का प्रोफाइल चेक होगा जिन्होंने सच में काम किया है निष्पक्ष रूप से उनको सम्मानित किया जाए। तो इसलिए हमने किसी का भी कोई रेफरेंस नहीं दे रहे, जो भी नॉमिनेशन आए हम जूरी कमेटी को देंगे, जूरी कमेटी प्रोफाइल देखेगी और जो भी उनको अच्छा लगेगा उसका मार देंगे, हमको दे देंगे, हम उनको फाइनल करेंगे बाबा आपको सम्मान को लेगा। हाँ, हर क्षेत्र से, मतलब देखिए क्या शिक्षा श्री सम्मान है, शिक्षा के लिए मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कार्य करता है, छोटा मोटा कहीं ना कहीं करता है। मैंने देखा है कि हमारे कुछ मित्र हैं जो आईएएस अधिकारी हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, कस्टम में है, जीएसटी में है, इनकम टैक्स में है, लेकिन वो लोग एजुकेशन के काम कर रहे हैं, अधिकारी हैं, वो किसी न किसी बच्चे की फ़ीस भरते हैं। जब हमने उनसे बात की तब उनको उन्होंने बताया कि भाई देखो 4 बच्चे हमने अडॉप्ट करके रखे हैं जो इस स्कूल में इतना पैसा देते हैं। तो हर कोई अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा के लिए थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, लेकिन खुलकर जो अभियान होना चाहिए था इस देश में नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया। मैं चाहता हूँ ऐसे लोग करते हैं, एनजीओ करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी शिक्षा के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी बात करते हैं शिक्षा के लिए, लेकिन इस देश में जैसे स्वच्छता अभियान हुआ था हर कोई आज कूड़ा फेंकने से पहले एक बार मोदी जी को दिमाग में याद कर लेता है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में शिक्षा के लिए लोग काम करें और यही अभियान जैसे स्वच्छ भारत हिट हो गया ऐसे शिक्षा दान अभियान हिट हो जाए, हर कोई जो सक्षम है एक बच्चे को अगर एडॉप्ट कर ले, एक बच्चे को शिक्षित बना दे तो हमारे देश पूरे विश्व का जो हम लोग महागुरु बनना चाहते हैं सच में बन जाएंगे सिर्फ शिक्षा। आई विल ब्रीफ ऑन दिस पॉइंट व्हाट क्वेश्चन यू आस्क्ड दैट इट्स नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन। एजुकेशन डजंट मीन द बुक एंड कॉपी एंड द पेन एंड नॉट डिग्री। एजुकेशन मीन एनीथिंग which is benefiting the society, making the community better and progressive, either in, as he said, about Swachhata Abhiyan or in study or education or in empowering the poor, lower background or like empowering the women. Anything, wherever the achievement which you are taking a flag that this thing I am going to do, like you press reporters, you are going to make this world to know that what is going on. This is also an achievement. Few press reporters, they focus on the wrong things, few they focus on the right thing. So whatever you are doing which is going for to benefit the society, any achievement in cooking, in writing, in music, in filming, anything, so which is giving the positive impact on the society, that we are looking forward for those achievers to give this award, not on the for education. डॉक्टर रेणु राज जी से हमारा जो संपर्क हुआ, आदरणीय हमारी सोमा दीदी का एक बड़ा सहयोग है हमारे शिक्षा दान में है और शिक्षा दान अभियान में एक शिक्षा स्थान में इनसे मेरी परिचय हुई थी एक संजय जी का जो पुणे सूर्य दत्ता उसमें शिक्षा के विषय में हम लोग को अवार्ड मिला था दोनों को और हम लोग एक ही दिन में हृदय से जुड़ गए और हमने इनसे जुड़वाया क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दोनों बहुत सुंदर। तो और इन्होंने जो अभी बात कही ना कि शिक्षा का मतलब बहुत ब्रॉड है, जो इन्होंने कहा शिक्षा खाली पढ़ाई लिखाई से नहीं होती है, किसी को मदद करने की जो बुद्धि ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है, ये एक संस्कार है। ये शिक्षा जब ये सब मिलके किसी, अगर एक औरत गाँव में है वो
क्या करेगी उसको, खाली वो तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती ना, उसको कैसे उसको हम सशक्त बनाए अपने पैर पे खड़ा कर, ये भी एक शिक्षा है। तो इन्होंने जो कहा बहुत सुंदर, तो वही रहा कि जब संपर्क हुआ दीदी का, इतना बड़ा प्रोफाइल है, और उसके बाद में अभी शिक्षा अभियान के लिए हमको अभी लंदन में 29 अक्टूबर को जो हमको सम्मान मिला, अवार्ड मिला मुझे, तो उसका इन्विटेशन जब आया तो दीदी से संपर्क हुआ, मेरा वीज़ा वगैरह जब फटाफट हो गया, तो मतलब आप लोग बताओ कि मेरा वीज़ा लंदन के लिए, वीज़ा के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, मेरा वीज़ा सिर्फ 5 दिन में आया, वो दीदी का सहयोग था है। और सबसे बड़ी बात है लंदन में दीदी का इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल है, सब कुछ है, उसके बावजूद इन्होंने मुझे लंदन में जब एयरपोर्ट में दीदी मुझे रिसीव करने आई तो मैं चौंक गया था कि इतना बड़ा प्रोटोकॉल है और आप मुझे लेने आई, लेकिन मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ इसलिए। फिर उसके बाद में शिक्षा दान अभियान के बारे में दीदी को मैंने सारा जब बताया डॉक्टर राज को, तो उनको उनको बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा। उसके बाद उन्होंने लंदन से बहुत से बच्चों के लिए हमसे बोला कि भाई किसको क्या करना है, तो कई बच्चों का हमने लिस्ट लिया, वहाँ से दीदी ने उनको बहुत सहयोग किया। उसके बाद मैंने इनसे बोला कि दीदी अभी मैं जो शिक्षा दान अभियान जो कार्यक्रम लंदन में इवेंट करना चाहते हैं, तो दीदी का सहयोग से लंदन में हाउस ऑफ कॉमन का 6 जून को अवार्ड हो रहा है, और उस पर दीदी का बहुत सहयोग है, आशीर्वाद है। और जब मैंने बोला कि आप इसके शिक्षा दान अभियान में जो शिक्षाश्री सम्मान होगा उसका आप ब्रांड एम्बेसडर बनिए, तो दीदी ने एक ही बार में उसका स्वीकार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत ही सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि मैं जब मुंबई आया तो मैंने भी संघर्ष किया, मैं भी एक बड़ी नौकरी सरकारी नौकरी छोड़ के मुंबई आया हुआ हूँ, तो लेकिन मैं जीवन में था कि कुछ करना है, एक छोटे से शहर में 10 से 5 की नौकरी नहीं करना चाहता था मैं, कि मेरे सपने थे कि मैं उड़ना चाहता हूँ, वहाँ पे भीगे पंछी की तरह नहीं बैठना चाहता था। तो जैसे तैसे मैं मुंबई आया, संघर्ष किया, लेकिन मैंने यहाँ जब देखा कि सच में लोग बड़े परेशान हैं, सबसे ज़्यादा परेशान लोग इसके लिए हैं कि आज मिडिल क्लास का बच्चा, छोटे जो गरीब लोग हैं जो झोपड़े पट्टी में रहते हैं, वो लोग बच्चों को पढ़ाने भी नहीं चाहते, उनका पैसा भी नहीं, वो तो ठीक है जो इसको गैरेज में लगा दो, उसको इधर लगा दो, तो उसको लगा दो, उस पर लगे रहते हैं। जो बड़े लोग हैं उनको तो पैसे की टेंशन नहीं है। इस देश में सबसे ज़्यादा तकलीफ है तो मिडिल क्लास, जो आम आदमी है, हम आम आदमी हैं, हम गरीब भी नहीं हैं, हम अमीर भी नहीं हैं, हम आम आदमी हैं। तो आम आदमी के परिवार के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी है तो शिक्षा की, वो फीस नहीं भर पाते हैं, बहुत तकलीफ़ है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आई, मैंने इसका शुभारम्भ किया, और ये पहला शिक्षा दान अभियान का जो अवार्ड हो रहा है लंदन में हो रहा है, और उसके बाद आने वाले समय में चाहता हूँ पूरी दुनिया में आप सब लोगों के साथ से पूरा दुनिया में छाए, और सबसे बड़ा हमने सोचे जो भी सम्मान होगा, जो भी हमारे इवेंट होंगे, उसका पूरा पैसा हम गरीब बच्चों को ही डोनेट करें। करेक्ट। नहीं, इस पर कोई ऐसा बॉलीवुड, कोई हमारा ये बॉलीवुड का अगर कुछ लोग नॉमिनेशन आए मेरे पास में, नॉमिनेशन आए हैं, तो अगर हमारे वो उनका प्रोफाइल अप्रूव होगा, हमारी जूरी कमेटी जो है वो करेगी, तो लोग जाएंगे, वरना मैं किसी को ऐसा नहीं रेफरेंस रिमेंड मतलब हाथ जोड़ के नहीं लेके जा रहे हैं भाई आप चलो, कि वहाँ पे फिल्म स्टारों की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। बेसिकली डायनेमिक साइलेंस वी लुक फॉर द पीपल लाइक राजेश श्रीवास्तव, जो लोग समाज में कुछ अच्छा काम करते, यूनिक लीक से हटके जो काम करते हैं। और हमारा कहना ये है कि हम सब एक सेलिब्रिटीज़ हैं, हमें किसी सेलिब्रिटीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करना है कि हमारे इस काम को करने के लिए कोई सेलिब्रिटी हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनेगा तभी हमारा काम सफल होगा। दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक टू एंटरटेन द पीपल। सो जो भी हम प्लेटफॉर्म लेते हैं, बिकॉज वी आर द सेलिब्रिटी, हमारे कंधे पे चढ़ के ही सभी लोग सेलिब्रिटी बनते हैं, हम खुद सेलिब्रिटी हैं, हम ऐसा कुछ करें कि सेलिब्रिटीज़ हमसे कहें लेट मी ऑल्सो पुट माई हैंड इन साइड, सो दे शुड ऑल्सो ज्वाइन। या देखिए, मैं मेरी प्रदत्त संघर्ष जो गाथा है मेरी बड़ी है, उस पर 500 पेज की स्टोरी लिखी जा सकती है 5 साल बाद, ठीक है। लेकिन छोटी सी बात है, मैं जब मुंबई आया तो मैंने बहुत ही छोटे मोटे जो काम, कोई छोटा मोटा नहीं होता है, मैंने भी कारखाने में काम किया है, गारमेंट की फैक्ट्री में नौकरी की है मैंने,
एक अच्छी नौकरी छोड़ के आके मुंबई में 150 रुपये हफ्ते के मैं भी नौकरी करता था, धराबी में कारखाने में गारमेंट का काम। मुझे कुछ करना था, मुझे आगे बढ़ना था, यहाँ पे कोई मेरा कोई ठिकाना ऐसा नहीं था। तो एक शुरुआत हुई, फिर धीरे 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 मैंने पढ़ा लिखा तो था ही थोड़ा बहुत, तो मैंने फिर 99 में मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की शुरुआत की। तो मैं 99 से और लगभग 2003 तक, बस 4 से 5 साल तक मैंने एक पत्रकारिता की, क्राइम रिपोर्टिंग करता था। लेकिन मैंने देखा कि क्राइम रिपोर्टिंग जो है इस देश में हम जैसे लोग नहीं कर सकते, मेरा वो टैलेंट नहीं था, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही बोलते डेयरिंग चाहिए होती है और बड़े बड़े खेल करने पड़ते हैं, बोलते मीडिया में वो क्या बोलते स्टिंग ऑपरेशन करने पड़ते हैं। आज मीडिया के सामने खुलेआम जो असलियत है वो बताना चाहता हूँ। तो उस क्षेत्र में मैं जम नहीं पाया, मतलब कार्य नहीं कर पाया, मेरा दिल भी नहीं करता था, काम करता था पैसे आते थे। लेकिन उसके बाद धीरे 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 मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, अपनी मैगजीन की शुरुआत की और ईश्वर की कृपा से आज 15 साल से मेरी फिल्म छोड़े मैगजीन जो है सफलतापूर्वक चल रही है। आज उसके हमारे आदरणीय श्याम सिंह अने जी के साथ में एफटी फिल्म छोड़े मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, उससे हम लोग इवेंट करते हैं और सरकार बहुत सहयोग है, आज मैगजीन बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। या इट्स अ रियली लवली मीटिंग ऑल ऑफ यू एंड मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी मुहिम को चलाने के लिए ये इंतज़ार ना करें कि कोई सेलिब्रिटी हमारे साथ होगा तभी हमारी मुहिम आगे बढ़ेगी। आप एक बार चलिए तो सही और देखिए कि एक बार चलिए तो सही और देखिए मिस्टर मानिक को हम नहीं जानते थे और मिस्टर मानिक के बायोटा पढ़ने के बाद, इनकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें इनके साथ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शोमा जी ने बुनकरों के लिए, जिनको हम भूल चुके हैं इस दुनिया में, लोग याद नहीं करते हैं बुनकरों को, इन्होंने बुनकरों के लिए हाथ कई काम करने वालों के लिए बहुत कुछ करा और एक डोनेशन तैयार किया, वो एक बहुत अच्छी मुहिम थी। तो जस्ट मूव फॉरवर्ड, आप सब हीरो हैं इस धरती के, आप जो भी काम करेंगे हम आपके साथ हैं और लोग भी आपके साथ आएंगे। सो डू समथिंग फॉर द बेस्ट ऑफ द सोसाइटी, बेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। अपने बुज़ुर्गों के ध्यान रखिए, वो हमारी धरोहर हैं, हमारे बुज़ुर्ग हमारी धरोहर हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है और उनके लिए जब हम कुछ करेंगे तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हाँ, तो उसमें हमारा शिक्षा दान अभियान डॉट इन है जो हमारी वेबसाइट है, www.shikshadanabhiyan.in, उस पे आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म डाला हुआ है, को भी नॉमिनेशन कर सकता है। फिलहाल हमने अभी 31 मार्च ही लास्ट डेट दी, लेकिन उसको बढ़ा के अभी 10 अप्रैल कर दिया है, तो 10 अप्रैल तक लोग फॉर्म भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। और अंत में मैं वहाँ पूछ लूँ, सब कहना चाहूँगा, एक अंतिम सब ये कहना चाहूँगा मैं, मतलब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, कि ये मेरी खुशी की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन जो स्कूल यूनिवर्सिटी और जो शिक्षा के केंद्र हैं उनके मालिकों को, उनके लोगों को आज समझदारी दिखानी होगी कि वो लोग कोरोना काल में उन्होंने फीस 6 महीने नहीं ली, लेकिन 7वें महीने से उन्होंने बच्चों को परेशान करना चालू किया। फीस नहीं भरी तो उनको एग्ज़ाम में नहीं बैठाना है, उनको वो कर नहीं रहे। आज मैं आपको बताता हूँ, बड़ी बात बोल रहा हूँ, एक केंद्रीय मंत्री, जिनका नाम लेना मंच पे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, एक केंद्रीय मंत्री ने के पास में 2 बच्चे गए कि सर मेरा इतना फीस हो गया है, नहीं भर पा रहे हैं, स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री साहब ने उनको अपने लेटर हेड पे लेटर लिख के दिया है, मुंबई का स्कूल है, स्कूल का भी नाम नहीं ले लूँगा, अच्छा नहीं होगा। तो मंत्री साहब ने जब लेटर लिखा तो वो लेटर स्कूल जब उनके पेरेंट्स लेके गए तो एक केंद्रीय मंत्री के इतना बड़ा कहने के बावजूद स्कूल ने सिर्फ 5% डिस्काउंट किया। बताइए, कुछ नहीं किया उन्होंने। उसके बाद में मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि उन केंद्रीय मंत्री साहब ने मुझे लेटर लिखा कि राजेश श्रीवास्तव बच्चों की फीस आप भरवाइए, बच्चों की फीस में। और परसों भी एक मंत्री जी के साथ में थे, भावेश जी थे, उनके पीए
बाबे जी के सामने बोले कि राजे जी चार बच्चों की फीस भरवाई हमने भेजी, अभी जेरोक्स दीजिए डॉक्यूमेंट। क्या बात, इधर देखिए बच्चों से पूरा फीस लिया और टीचर्स की फीस आधा से आधा कर दिया और आधे टीचरों को ये भी कर दिया, ये बहुत गलत काम हुआ। ये तो एक हमारे जो बच्चों के जो पेरेंट्स है उनको भी थोड़ा सा सीखना है, क्योंकि आज मैंने थोड़ा अगेंस्ट किया था, मैं थोड़ा अपन में भी आया था स्कूल के, लेकिन क्या होता है जैसे हमारे को इमोशनली ब्लैकमेलिंग की जाती है, हमारे बच्चे को एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, उसकी मार्कशीट नहीं देंगे, तो वो डर से भी हम लोग एग्जाम पूरी फीस दे देते। लेकिन इसमें हम सबको बोलते हैं कि जितने भी बड़े जो पेरेंट्स हैं जो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज के तारीख में हमारे पास बम्बई में स्कूल की कोई कमी नहीं है, अच्छे अच्छे स्कूल है, तो उनको एक सीखे कि भाई वो थोड़ा सा प्रेशर बना के रखे, हमारे हमारे बच्चे को पढ़ाना है, बराबर है, उसको कोई कठपुतली नहीं बनाना है।